मनोहर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, उनके संस्कार हमारे बीच में हमेशा बने रहेंगे। साथियों, अपने समर्पण भाव से, अपने परिश्रम से कैसे कोई व्यक्ति ईमानदारी से जनहित में काम कर सकता है, ये पर्रिकर जी ने करके दिखाया। समाज के हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर चलते हुए कैसे काम होता है, ये पर्रिकर जी करके दिखाया। भाइयों और बहनों, देश का रक्षा मंत्री रहते हुए देश के सैनिकों के प्रति, राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी फैसलों को लेकर जिस समर्पण भाव से मनोहर पर्रिकर जी ने रक्षा मंत्री के रूप में काम किया, वो अतुलनीय था। उनके रहते हुए सर्जिकल स्ट्राइक ने नए भारत की नई रीति, नई नीति की नींव रखी है। हिंदुस्तान भी आतंकियों को घर में घुसकर मार सकता है। ये संदेश अब दुनिया के हर देश के सामने स्पष्ट है। मुझे गर्व है कि मनोहर जी जैसे साथी के साथ मिलकर भारत के डिफेंस डॉक्ट्रिन को नई दिशा देने का अवसर मिला। और मैं आज गोवा की धरती पर आया हूं तो सभी मेरे गोवा के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पूरी टीम मनोहर जी के द्वारा शिक्षित, प्रशिक्षित, संस्कारित है। और इसलिए मनोहर जी ने जो रास्ता चुना है, उस रास्ते पर गोवा को आगे ले जाने में ये हमारी टीम कोई कमी नहीं रखेगी। उसके साथ साथ मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब भी आपको कमी महसूस हो, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि मेरे सहित हम सबका सपना है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि गोवा के लिए मनोहर जी के जो सपने थे, उन सपनों को हमने पूरा करना है। और मैं भी गोवा वासियों की तरह आपका एक साथी हूं।